हेलो, मैं हूं निधि और स्वागत करती हूँ आपका मेरे इस चैनल पे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप टमाटर को 1 महीने तक स्टोर कैसे करके रखें। तो इसके लिए मैं आपको 2 तरीका बताने वाली हूँ टमाटर को 1 महीने तक स्टोर करने के लिए। दोनों तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो चलिए पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, टमाटर ले लेना है। यहाँ पे हमने टमाटर लिया है। फिर आपको क्या करना है, टमाटर को पानी से अच्छे से धुल लेना है। धुलने के बाद आपको क्या करना है, इसे किसी ठंडी जगह पे इसका पानी सूखने के लिए डाल देना है। नहीं तो आप इसे क्या करें, किसी कपड़े से या टिश्यू पेपर से टमाटर का पानी अच्छे से साफ कर लें। फिर आपको क्या करना है, ये देखिए टमाटर का ये वाला भाग जो है ना, ये वाला भाग आपको कट कर लेना है, ठीक है। टमाटर का ये वाला भाग आपको कट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैं कट करके दिखाती हूँ। टमाटर को आपको यही वाला भाग कट करना है, ठीक है। ये वाला भाग कट करने के बाद आपको क्या करना है, टमाटर के बैक में इस टाइप का आपको क्रॉस निशान लगाना है, ठीक है। ये देखिए इस टाइप से आपको क्रॉस निशान लगाना है बैक में। ठीक है, इस तरीके से आपको टमाटर में क्रॉस निशान लगाना है बैक में। ठीक है, इस तरीके से क्रॉस निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, टमाटर को आपको प्लास्टिक में रख लेना है। प्लास्टिक में रखने के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्की सी गांठ लगा लेना है, ठीक है। ज़्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का सा गांठ लगाना है, ठीक है। और फिर आपको क्या करना है, इसे फ्रीज में रख देना है, ठीक है। ध्यान रखिए इसे फ्रीज़र में नहीं रखना है, इसे फ्रीज में रखना है। फ्रीज में रख लेना है। तो दोस्तों ये है पहला तरीका। इस तरीके से आप टमाटर को 1 महीने तक स्टोर रख पाएंगे, टमाटर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। फिर जब आप चाहें तब इसे यूज़ करें। तो चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका में आपको क्या करना है, ये देखिए हमने टमाटर लिया है। आपको क्या करना है, इस टमाटर को भी ये देखिए ये साइड वाला भाग जो है, ये साइड वाला भाग आपको हटा लेना है। साइड वाला भाग आप हटा लीजिए, ठीक है। इसका भी मैं साइड वाला भाग हटा लेती हूँ। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, टमाटर को 4 टुकड़ों में कट कर लेना, ठीक है दोस्तों। टमाटर को आपको 4 टुकड़ों में कट कर लेना है इस तरीके से। सारी टमाटर को 4 टुकड़ों में कट कर लीजिए। इसका भी मैं 4 टुकड़ा कर लेती हूँ। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं बताती हूँ। फिर आपको एक एयर टाइट डब्बा ले लेना है, इसी टाइप का जो कि हमने लिया है। फिर आप क्या करें, इसमें इस टाइप का प्लास्टिक ले लें और इसमें सबसे पहले ये एयर टाइट डब्बा में ये प्लास्टिक डाल दें। और फिर आप क्या करें, ये सारी कट की हुई टमाटर को इसमें डाल देना, ठीक है।
इस तरीके से आपको सारे कटके हुए टमाटर को डाल दें और फिर आप क्या करें, इसका ढक्कन लगा दें। और फिर आपको क्या करना है, ये टमाटर को फ्रीजर में रख देना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो पहला तरीका हमने बताया है उसमें आपको क्या करना है, टमाटर को हमने फ्रीज में रखने को बोला था। और ये दूसरा तरीका जो है, इस तरीके से अगर आप टमाटर को स्टोर करके रखना चाहते हैं 1 महीने के लिए, तो आपको इसे फ्रीजर में रख देना है। ठीक है, फ्रीजर में रखने से टमाटर टाइट हो जाएगा और फिर जब आप इसे यूज़ करेंगे तो यूज करने से कुछ घंटे पहले टमाटर को निकाल के बाहर रख लीजिए और फिर जब नॉर्मल हो जाती है तो इसे आप यूज़ कीजिए और बाकी टमाटर को आपको इसी तरीके से वापिस से फ्रीज़र में रख देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप टमाटर को 1 महीने तक स्टोर कर पाएंगे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे टमाटर। तो दोस्तों आप दोनों तरीका जरूर ट्राई कीजिएगा, टमाटर खराब नहीं होने वाली है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, और चैनल पे नए हैं तो इसी तरीके की अच्छी अच्छी और उपयोगी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।